आओ पियो ऐश करो मित्रों, क्योंकि आज मैं आपको ले आई हूँ केसर के ढाबे पे। ये श्री हरमंदर साहिब से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है पसिया चौक, जो कि पुराने अमृतसर की तंग गलियों में है। ये 107 साल पुराना है। 1916 से आज तक अपनी क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन करते हुए इस आइकॉनिक केसर द ढाबा ने सबका दिल जीत रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं पहुंच गई मात्र 20 रुपए देकर साहब से केसर द ढाबा पे। ये देखिए इतना लंबा चौड़ा मेन्यू, इसकी हर चीज प्योर देसी घी की प्रिपरेशन है। ये एक शाकाहारी पंजाबी ढाबा है। लाहौर के पास शेखुपुर में एक पंजाबी हिंदू लाला केसर लाल द्वारा स्थापित दाल और रोटी बेचने वाला एक छोटे से रेस्टोरेंट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद अमृतसर शिफ्ट हो गया। खाने में तो यहाँ की हर चीज बेहद स्वादिष्ट है, पर इस ढाबे का खास व्यंजन है दाल मखनी और मिट्टी के कटोरे में परोसे जाने वाली फिरनी। और से देखिए, दाल मखनी पूरी रात भर एक बड़ी मटकी में पकती है, लगभग 80 किलो दाल। लेकिन जब सर्व की जाती है तो शुद्ध देशी घी में प्याज और कश्मीरी लाल मिर्च का ऊपर से छौंक लगाकर हर कटोरी में डाला जाता है। जरा देखिए, लच्छे पराठे पे देसी घी नहीं है, देसी घी में लच्छा पराठा डुबो रखा है इन्होंने तो। मैंने इस विजिट में ऑर्डर किया था लच्छा पराठे के साथ दाल मखनी, बैंगन का भरता और कढ़ाई पनीर, जो कि बहुत ही लाजवाब थे। ये देखिए आपके सामने टूरिस्ट भी कह रहे हैं बहुत स्वादिष्ट है इसका खाना।